Yes! नियम समझाते हुए टूर्नामेंट के इसमें पांच पांच ओवर में साइड चेंजेस होंगे। अमित भाई मांगेंगे और सिक्का उछाला। मैंने टेल्स कॉल किया, क्या कर रहे हो? हिट्स आया है हमें। टीम एटम ने टॉस जीतकर बैटिंग की, बैटिंग बैटिंग दे दी। Yes! Yes! स्लो है विकेट। तीन से चार ओवर ना, जब तक सीम हार्ड रहे तब तक ऐसी चलेगी। ऐसा क्या मैडम जैम्पा क्यूरेटर साहब? हल्की सोच पड़ जाएगी फिर से ऐसी रखो। दो तीन जय भवानी भाई। एक और शानदार बैकफुट पंच देखने को मिला। एनसीआर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट और उसका सबसे बड़ा फाइनल आज टीके प्ले स्टेशन में होता हूँ। एक और शानदार शॉट और सीधा सीमा की रेखा के पास। सिक्स रन एम्पायर स्लो बॉल ओवर द कवर्स सीधा बाउंड पर लाइन अप जाती बॉल और चार रन। असमर्थ रहे, इधर सामना करना होगा एटम को। ऑर्बिट बॉल शानदार शॉट और ग्राउंड के बाहर छक्का, काफी लंबा छक्का। एक और तोड़ रहा है यहाँ पर शानदार। और हवा में बॉल जाती है और एक कैच आउट, एक और विकेट गिरता हुआ एटम का। कितना ऐसे फर्क न पड़े, कितनी खाली हो जाएगा। फिर भी अच्छी बॉल पर खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम है ना चार नितिन भाई, छोटी छोटी घूमी है बॉल, पहली भी घूमी बैट्समैन आ गए भाई, तेज बॉल ऊपर फेंक रहे हो यार। चलो नहीं हेड ऑन और यहां पर लगता है स्पिनर को बुलाया है। तेज किया बॉल और मैं भी एक लेफ्ट आर्म हूं तो मैं बता चाहता हूं ये बॉल सामने से घूमी है, एंड खोल दिया जो कि पहला बॉल होता लेफ्ट आर्म का। ये डिलीवरी बहुत मुश्किल होती है राइट बैट्समैन के लिए, खासकर जो इसको 30 40 बॉल। एक और शानदार बॉल यहां पर लेफ्ट आर्म स्पिनर द्वारा। आ गया एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर एटम का।
दिया भाई LBW आउट है LBW प्लम है एक्सीलेंट प्लम आउट है रिप्ले देखो ना रिप्ले मैंने कह दिया सामने ये बाजा का पतन होता हुआ एक पहले ने बोला अच्छे से खेल रहे हैं पूरे लग के ठीक है ना क्योंकि आज हमारा एक बंदा मेहनत कर रहा जल्दी आओ और शायद स्पिनर को टर्न मिलता हुआ अभी ना बहुत मैच पड़ा है डीले नहीं पड़ना भाई डीले नहीं पड़ना और काफी घातक बल्लेबाज स्ट्राइक पर अंकित नागर जो कि काफी लंबे लंबे छक्के छक्कों के लिए जाने जाते हैं लेकिन भवानी फायर थोड़ा हावी होती हुई है टंपर जैसा कि मैंने कहा था अच्छे स्ट्रोक लगाते हैं मेडल नहीं हुई लेकिन फिर भी बॉडी लाइन तक पहुंची बॉल और खूबसूरत छक्का और एक और शानदार बॉल टॉम स्पिनर द्वारा वे फ्लाइट के फैन लग रहे हैं पता नहीं यहां पर बॉलर द्वारा बाबा बाबा बोल रहे हैं नहीं दे रहे हैं किसी बल्लेबाज को टॉप बॉल समझे मजा यार हम फील पूरी लेंगे एक और बॉल लेकिन ज्यादा उछाल लेती बॉल अभी तेज किया था गेंद लेकिन उतना ही उमदा कवर ड्राइव यहाँ पर एक और शानदार बॉल और एक कलाइयों का इस्तेमाल करके बेहतरीन गेंद यहाँ पर यॉर्कर लग गई थी और काफी तेज बाउंसर यहाँ पर और एक स्लोअर बॉल काफी चलाक है अमित नागर जैसा कि मैंने कहा था अच्छी ऑफर तो वही देखने को मिली बेहतरीन कवर था यहाँ पर बल्लेबाज ने और ये बेहतरीन शॉट और देखा भी नहीं इस शॉट को मारने के बाद नागर ने बॉल को देखा भी नहीं और वापसी वापसी यहां पर बॉलर की वापसी बैट्समैन को खोल दिया बिल्कुल अपने कोटे को पहला ओवर और यहां पर और ये दोबारा मेरे को लगा दोबारा रिप्ले था ये इस बार भी इन्होंने शॉट मारा और देखा ही नहीं मैजिक टाइम आउट होता हुआ अंकित जी मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि इस ओवर में ही अपने 5 विकेट पूरे कर पाएंगे अब तक 4 विकेट ले चुके हैं इस बॉल के बाद बात करते हैं और यहाँ पर देखिए अभी हम बात ही नहीं कर रहे थे और यहाँ पर इन्होंने अपने 5 विकेट पूरे किए नागर को क्लीन बोल्ड एक रन भी मैं नॉन विकेट लिया 1 2 3 जय भवानी तगड़ हो गए ज्यादा सो जाओ नॉर्मल हो गए पूरी टीम को बैकफुट पे डाल दिया है यहाँ पर जिस हिसाब से अपने इन्होंने बॉलिंग करी है 5 विकेट आधी टीम तो यही खा गए और अगली गेंद और अगली गेंद हल्के हल्के गलत पर पर क्रॉस करते हुए इधर से सही है पीके बोस यहां पर और ये अपने पीके बोस शादी के ये और शानदार बॉल और यहां पर इनके 4 ओवर 15 रन 6 विकेट बहुत ऊंचा मारा है बहुत दूर जाके गिरेगी 6 रनों के लिए
एक बैटिंग बिल्डिंग यहाँ पर, एक विकेट और यहाँ पर बोला था। और बेहतरीन गेंद यहाँ पर पूरे बैटिंग कोड पैनल के अंपायर दीपांशु चौहान। और एक और बैक फुट पंच, और यहाँ पर आखिरी विकेट का पतन एटम का, और इनिंग समाप्त यहाँ पर एटम की।